गठबंधन आज भी अगर है ये मानते हैं ये, तो गठबंधन को करने वाले जो लोग थे, जो इसमें बड़ी ताकत थी जिन्होंने जमा किया था, आज भी उन्होंने बैठना चाहिए और हमारी बातें और गठबंधन के कागजात जो मुफ्ती साहब के पास दस्तावेज मौजूद हैं उसको लेकर बैठें और ये फैसला करें कि भाई ये अगर नाकाम है रहनुमाई करने में तो गठबंधन का अब हक, फर्ज और धर्म मुफ्ती साहब ने निभाना चाहिए। आज के सियासी हालात जो हैं वो एकदम साफ हैं कि शेख रशीद खानवादा इलेक्शन लड़ने वाला है, मुफ्ती साहब इलेक्शन लड़ने वाले हैं। आज जो 5 साल में इनके काम काज को लेकर आवाम बिल्कुल मुतमईन नहीं है और कहीं ना कहीं ये लगता है कि अब इनकी ये पोजीशन इस शहर में नहीं बची है कि वो शेख आसिफ को हरा सकते हैं, तो गठबंधन का धर्म निभाने की पारी उनकी है कि वो शान इनकी हिमायत करें और गठबंधन का धर्म निभाएं। हम उनके साथ में रहेंगे। क्या है 5 साल में क्या क्या लोगों के साथ हुआ, मैं एक बात बोला कि यार, अभी शान भी बोले कि यार सारे लोगों पर हमला हुआ, इनके ऊपर ही नहीं हुआ। मेरा मकसद ये नहीं है कि उनके ऊपर हो, नहीं, बहुत अच्छी बात है, वो सेफ है, उनकी फैमिली सेफ है, हमारी दुआ भी यही है कि वो सेफ रहें, मगर सारी तकलीफ तो जो उनके साथ इलेक्शन लड़े वो उठाए ना, वो गोली की शक्ल में हो, जेल की शक्ल में हो, मार धाड़ की शक्ल में हो, इनके किसी लोगों को कोई तकलीफ इनके घर पे नहीं हुई और बहुत अच्छी बात है। नहीं, मेरा सिर्फ मानना ये है कि मुफ्ती साहब पूरी तरह नाकाम इस 5 साल में हो गए हैं, इसलिए अगर आज शेख आसिफ को हराने की ज़रूरत है तो उनको बैठ के गठबंधन का धर्म निभाने की बात हमारे साथ करना चाहिए। मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखे, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद था कि 9 अगस्त को अखिलेश यादव का दौरा मालेगांव मुलतवी किया गया है। 29 जुलाई से 9 अगस्त तक यूपी असेंबली अजलास शुरू होने की वजह से और यूपी में सियासी तौर पर जो भी उठा पटक चल रही है योगी हुकूमत और उनके ही बीजेपी आलों में, तो कुछ लोग बीजेपी के समाजवादी के कांटेक्ट में हैं, तो इसलिए वो 9 तारीख को ख़त्म होने वाला है, तो 9 तारीख का मुलतवी किया गया। 12 तारीख का उनकी तरफ से बोलना था, मगर हमने कहा कि नहीं, थोड़ा लेट करो, मगर जुमा का ही दिन छुट्टी के हिसाब से और जो माहौल मालेगांव में बना हुआ है जुमा के लिहाज से, तो हमने जुमा का ही दिन बोला है, तो आसिम भाई बोले कि वो 2-3 रोज़ में कोई भी जुमा की डेट लेकर आगे हम वो अवामी तौर पे ऐलान उस तारीख का करेंगे कि अखिलेश यादव कहाँ कब आ रहे हैं। दूसरा अहम बुलाने का प्रेस कॉन्फ्रेंस मकसद था कि 2017 जब दाबाड़ी को पानी का ठहराव किया गया, उस वक्त से हम मुसलसल ये बात बोल रहे हैं कि मालेगांव की सियासत और मालेगांव के सियासी लीडरान पानी पे ध्यान दें। जिस वक्त पानी की कमी या बारिश कम होगी, मालेगांव शहर देखेगा कि हम किस तरह से पानी के लिए परेशान हो रहे हैं, और इस ये साल कहीं ना कहीं पानी कम बरसात होने की वजह से साल भर से लगभग हम 2 दिन आगे से पानी ले रहे हैं और अभी 8-15 दिन पहले 3 दिन नागे से पानी का जो ऐलान किया गया, यही हालत रही तो और हालात ख़राब होंगे। दाबाड़ी के सवाल पे उस वक्त के कांग्रेस और आज के राष्ट्रवादी के लीडरान ने जब ठहराव पास किया, तो हम वाहिद महागठबंधन की तरफ से उसकी मुखालफत किए थे। उस वक्त गठनेता बुलंद इकबाल थे, बुलंद इकबाल पे कई तरह के उस वक्त इल्ज़ाम भी लगाए गए, मगर हमने मुसलसल उस वक्त से लेकर पानी परिषद और कलेक्टर से लेकर इरीगेशन डिपार्टमेंट, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, सब जगह हमने एतराज़ दाखिल किया। एक वक्त ऐसा आया कि कॉरपोरेशन में जो जमहूरी निज़ाम था वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया 5 साल का वक्फा होने के बाद, और इलेक्शन नहीं होने की वजह से पूरा इख्तियार प्रशासक बोलकर कमिश्नर को मिल गया, और इसी का फ़ायदा कहीं ना कहीं उठाकर उन्होंने उसका एग्रीमेंट किया। उस वक्त भी हमने कहा कि मौजूदा MLA जो हैं उनको कलेक्टर की मीटिंग में 2 बार जब मीटिंग हुई इस सवाल पर, आउटर के मंत्री दादा भुसे साहब बुलाए, तो इनको उस मीटिंग में जाना चाहिए था और इसकी मुखालफत करना चाहिए थी, मगर नहीं जाने का मकसद ही, मतलब ही यही था कि वो दादा भुसे की मदद करे और उसका एग्रीमेंट हो जाने दे। एग्रीमेंट हो जाने के बाद आज की जो सिचुएशन है कि
एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि 50 MCFT पानी चंकापुर से हमको ज़्यादा दिया जाएगा जो हमको मिलता है, मगर जो नई डिमांड आई उसमें कोई 50 MCFT पानी हमको ज़्यादा नहीं दिया गया। जो पानी 2018 में हमको दिया जा रहा था जितना कोटा चंकापुर से था, आज 23-24 में भी वही पानी है, 22-23 में भी वही पानी है और 18 में भी वही पानी है। अगर मैं 18 से ही मुआवजा करूं तो आबादी मुसलसल बढ़ने के बाद भी हमारा कोटा नहीं बढ़ा। दाबाड़ी को पानी देने की जो अटी सरती थी उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन हुआ है। तो अब हम ये बात मानते हैं कि दाबाड़ी का जो एग्रीमेंट है उसको फौरन कमिश्नर ने रद्द करना चाहिए। शहर के तमाम ही सियासी पार्टी के लोगों ने इस पर ऑब्जेक्शन लेना चाहिए। दूसरा ये कि दाबाड़ी की जो पानी दिया जा रहा है उसको फौरन रोक कर मालेगांव शहर यान को जो उनके हक का पानी है उसे जिस तरह से कोटा है उस तरह से दिया जाए, क्योंकि जब हमको सरकार ने 50 MCFT पानी बढ़ा कर दिया ही नहीं है तो फिर अब दाबाड़ी को पानी देने का कोई मतलब नहीं बचा। हम अव्वल दिन से बोल रहे हैं कि तलवाड़ा तालाब पर आउटर के लोगों की बुरी नीयत है और यही वजह थी कि तलवाड़ा की पाइपलाइन के लिए सबसे बुलंद आवाज़ हमारी थी, सबसे ज़्यादा कोशिश हमारी थी और उसका काम भी चालू हुआ है। हम समाजवादी पार्टी की तरफ से जल्द ही एक वफ्द की शक्ल में वहाँ जाएंगे और हो सकता है कि वहाँ दूसरे भी तरीके से जो 50 MCFT पानी दाबाड़ी की बात है उससे ज़्यादा दिया जा रहा हो, इस पर भी हमको शक है। तो सब रोकने के लिए हम वहाँ जाएंगे, मुआयना करेंगे और उसको कहीं ना कहीं रोकेंगे। जो भी इलीगल काम काज है उसको रोकने की हम कोशिश करेंगे और हमारा मकसद यही है कि तलवाड़ा और चंकापुर का जो पानी है उस पर पहला हक मालेगांव का है। निहाल साहब के वक्त उसकी तौसी की गई थी उस डैम की, उसका फ़ायदा मालेगांव शहरियान को मिलना चाहिए। इसी मकसद से हम इस बात को हमेशा कायम रखते हैं कि तलवाड़ा और चंकापुर का पानी हमको ही मिलना चाहिए और आज की पोजीशन में हमको 50% पानी जो हमारी ज़रूरत है गिरना डैम से 50% और चंकापुर से 50% मिलना ही चाहिए अगर इस हिसाब से हम पानी लेते हैं। और मुझे तो सुबह ये है के जो 4 रोटेशन पानी के चंकापुर से दिए गए हैं उसमें मुझे सुबह है, मैं अभी नहीं बोल सकता जब तक मैं उसकी और इंक्वायरी कर रहा हूँ, कि एक रोटेशन उसमें भी चुराया गया है या नहीं दिया गया, ऐसा मुझे खुद सुबह है। क्योंकि 4 रोटेशन पानी का जो चंकापुर से आता है और एक रोटेशन ये माना जाता है कि जो बारिश जिस वक्त होती है और डैम उस वक्त भरा जाता है तो उसको भी एक रोटेशन मान लिया जाता है, ऐसे 5 रोटेशन हमको दिया जाता है। ये हमारा 5 रोटेशन का सिस्टम है हर साल का, मगर मुझे लगता है कि इस मर्तबा 4 ही रोटेशन आया है और 5वां रोटेशन कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ हुई है। यानी हर तरीके से चंकापुर तलवाड़ा के डैम में कोई ना कोई ऐसा काम किया जा रहा है कि मालेगांव शहरियान को धीरे धीरे वो पानी नहीं मिले, मगर हम मालेगांव शहरियान को भरोसा दिलाते हैं कि हमको जितनी ताकत मिलेंगी हम उतनी ताकत से मालेगांव का पानी जो चंकापुर का है उसको हर हाल में कायम रखने की हम कोशिश करेंगे। मालेगांव शहर में 2017 में जो कॉरपोरेशन का इलेक्शन लड़ा गया वो इत्तेहाद के साथ मालेगांव शहर में हम लोग जो माजी में देख रहे थे, जिस वक्त से कांग्रेस और आज की राष्ट्रवादी ये लोग बड़े पैमाने पे बदउनवानी कर रहे थे, बदउनवानी के ख़िलाफ़ मिलकर, बदउनवानी और गुंडागर्दी के ख़िलाफ़ मिलकर हमने महागठबंधन बनाया और हमने इलेक्शन कॉरपोरेशन के साथ में लड़ा। इस उनवान पे कि मालेगांव शहर का इस्तेहसाल हो रहा है, ख़ास तौर पे मालेगांव शहर के मशरकी हिस्से का इलेक्शन हुआ। इलेक्शन के बाद ऐसे हालात हुए कि मेजॉरिटी किसी को नहीं मिली, लेकिन शेख रशीद शेख आसिफ खान वादे को हर तरह से उनकी ये कोशिश रही कि वो इक्तदार में आए और इक्तदार में आने के लिए उन्होंने हर तरह के फ़ैसले ऐसे किए जिससे मालेगांव शहर के मशरकी हिस्से का नुकसान हो रहा था। सबसे बड़ा फ़ैसला जो उन्होंने किया कि जो मालेगांव शहर की मिल्कियत थी, जो पानी कॉरपोरेशन का था,
वो पानी का उन्होंने एक तरह से सौदा किया, जिसको उन्होंने ऐलानिया कबूल भी किया। पहली महासभा जब हुई शेख रशीद साहब के मेयर बनने के बाद, उसमें उन्होंने ये ठहराव किया कि मालेगांव शहर का जो पानी है वो दाभाड़ी को दिया जाएगा, क्योंकि उनके सपोर्ट जो शिवसेना ने दिया उनको, उसमें ये सौदेबाजी थी कि ये बदले में मालेगांव का पानी देंगे। हम उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी का मुखालफत कर रहे थे और ये बोल रहे थे कि ये पानी तुम्हारा नहीं है, ये पानी मालेगांव शहर का है। और मालेगांव शहर के पानी की नेहाल अहमद साहब ये महसूस कर रहे थे, जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी वैसे वैसे मालेगांव शहर में पानी की किल्लत होगी, इसलिए उन्होंने तलवाड़ा डैम की वसत बढ़ाने का काम, आसपास की जगह और उसकी ऊंचाई बढ़ाने का काम किया, जो कि कोई ज़मीन को पैसा देकर नहीं, एक किसान के बच्चे को कॉरपोरेशन में नौकरी लगाकर उन्होंने ये फ्री में ये काम करवाया। लेकिन इस पर हमारे लिए बड़े दुख की बात है कि सिर्फ इख्तदार का मज़ा चखने के लिए उस वक्त की कांग्रेस ने मालेगांव शहर का पानी दाभाड़ी को दे दिया। हम लोग उस वक्त भी बोलते थे कि दादा भूसे साहब जो है वो मंत्री है, वो चाहते तो सरकार से गवर्नमेंट से जगह लेकर अपना खुद का डैम बनवाते दाभाड़ी के लिए, लेकिन उन्होंने इस तरह का कुछ नहीं किया, बल्कि बना बनाया पका पकाया जो मालेगांव की मिल्कियत थी वो उन्होंने ले ली। अब ऐसा हुआ कि मालेगांव शहर में जो बारिश की कमी की वजह से सुनाई दिया 2 दिन आड़े पानी, और अभी सुन रहे हैं हम लोग कि 3 दिन के बाद पानी आएगा। अगर ये जो रोटेशन, हमने उस वक्त भी कहा था कि मालेगांव शहर को क्या हर शहरी को कॉरपोरेशन पानी देती है क्या, जब बुलंद इकबाल ने इस ठहराव के वक्त पूछा तो वाटर सप्लाई का ये बोलना था कि सिर्फ 60% लोगों को हम लोग पानी देते हैं, यानी 40% जो मालेगांव शहर में रहने वाले लोग हैं उनके घर तक नल का इंतज़ाम नहीं है। इसके बावजूद भी शेख रशीद साहब मेयर रहते हुए उन्होंने अपने पानी का सौदा करके जो उनको सत्ता में आना था, जिस और उन्होंने दादा भूसे को ये पानी दे दिया। हम तब से अब तक बार बार कॉरपोरेशन को लेटर लिखते हैं, तलवाड़ा जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि गैर कानूनी तौर पर कहीं पाइपलाइन हो तो नहीं गई, लेकिन जैसे ही अवामी दबाव ख़त्म हुआ, मियाद ख़त्म हो गई कॉरपोरेशन की और इनके दबाव में, दादा भूसे साहब के दबाव में एग्रीमेंट ये उन्होंने कर लिया और पानी को रोटेशन उनको देना शुरू किया है। जबकि हम लोगों ने जो ठहराव पड़ा है उसमें ऐसा था कि वो इरिगेशन डिपार्टमेंट 50% 50 MCFT पानी जायद देगा, वो जायद ना आते हुए जैसे 2018-19-20-21 से आ रहा था वैसे ही अभी आया, लेकिन पानी की किल्लत होने के बावजूद भी उनको पानी दिया जा रहा है, जो मालेगांव शहर के शहरियान के साथ धोखा है। और दुख की बात यह है कि बदउनवानी के खिलाफ हम लोगों ने मिलकर इलेक्शन लड़ा, नुमाइंदे MLA मुफ्ती इस्माइल साहब यहाँ से चुन के गए और अब मुसलसल वो हमारे साथ दिखते थे जब हम लोग पानी को बेचने की मुखालफत के ताल्लुक से बोलते थे, लेकिन इसके बावजूद जब जब कलेक्टर के यहाँ मीटिंग हुई, मुफ्ती इस्माइल साहब जो थे वो गैर हाजिर रहे 2 मीटिंग में, जब इस वक्त ये फैसला हुआ कि दाभाड़ी को पानी दिया जाने वाला है कि नहीं। हम लोग ये मानते हैं कि जहाँ कांग्रेस के लोग या शेख रशीद खान वादे के लोग, इस वक्त शेख रशीद साहब मेयर थे, उन्होंने पानी देने का फ़ैसला किया, वहीं मुफ्ती इस्माइल साहब ने उस मीटिंग में गैर हाजिर रह के उस फैसले को सपोर्ट किया, मुखालफत नहीं की। और आज यह वक्त है कि मालेगांव शहर के लोग, अगर 3 दिन के बाद पानी आएगा, मालेगांव शहर एक मजदूर तबके, ज़्यादा यहाँ की आबादी मजदूर तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, मुफ्ती साहब मुसलसल ये बोलते हैं कि 67% यहाँ पर मजदूर रहते हैं, इनके माली कमज़ोरी है, इसके बावजूद भी उनको ये समझना चाहिए था कि मालेगांव शहर की आबादी ज़्यादा है, यहाँ लोगों के मकान छोटे हैं, यहाँ पानी स्टोर करके रखना और सिर्फ 60% लोगों के यहाँ ही नल है, जब 3 दिन के बाद नल आएगा तो जो लोग अपने यहाँ से दूसरों को पानी भरने के लिए देते वो नहीं दे पाएंगे, और तो इसलिए स्टोर करना मुश्किल है। 3 दिन अगर आड़े पानी आएगा तो ज़रूर मालेगांव शहर में पानी की तकलीफ़ होगी। अगर शेख रशीद साहब ने इस तरह की सत्ता में आने के लिए ये सौदेबाजी नहीं की होती तो हमारा पानी जो है वो दाभाड़ी को नहीं जाता, और मुफ्ती साहब अगर शहरियान की कद्र करते हुए किसी एक सत्ताधारी के डर के बिना वो मीटिंग में हाजिर रहते तो शायद हम लोग ये पानी को रोकने का काम किए होते। लेकिन आज भी हमारा जो मकसद है कि मुस्तकबिल की तरफ देखना है,
समाजवादी पार्टी आज ये ताकत में है, शहरयान का भरोसा हम लोगों के साथ है, हम लोग कोशिश करेंगे। और जो वादा जो ठहराव में लिखा गया था कि 50 MCFT पानी हमको मिलेगा तो ही हम उनको पानी देंगे, नहीं मिला, उसके बावजूद पानी दिया जा रहा है। इसकी मुखालफत में हम जिस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं वो करेंगे। दूसरा एक बात ये थी कि तलवाड़ा से जब मालेगांव शहर में पानी आता है तो उसको पानी को चोरी हो जाता है, इसलिए हम लोग मुसलसल तहरीक चला रहे थे कि उसको पाइपलाइन मजबूत की जाए, इससे पहले लीकेज की वजह से पानी रास्ते में किसान हो या दूसरे लोगों वो चुरा लिया करते थे। ऐसा माना जाता है कि तकरीबन 40 से 45% पानी चोरी हो जाता था रास्ते में, तो उसको रोकने के लिए पाइपलाइन की डिमांड की गई थी जिसका काम शुरू हो गया है। और उस पर हम लोग जो है मुसलसल नज़र रखे हुए कि जल्दी से वो पाइपलाइन का काम ख़त्म हो ताकि लोगों को पानी भरपूर मिल सके। 2023 में एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद से जो रोटेशन आ रहा है 2022 में, 21 में, 18 में, 19 में, 17 में उतना ही आ रहा था, उसमें कोई वाड़ा नहीं है रोटेशन। सितंबर 2023 में एग्रीमेंट हुआ है तो वो आप समझो ना ये बात को। फैसला जो है कलेक्टर ऑफिस में पहले हुआ, लागू इस वक्त हुआ। तो आज जो 23-24 का मालेगांव का डिमांड था ना, 25 सितंबर 2023 को जो डिमांड भेजे ना 23-24 का, तो उसके अंदर भी 513 MCFT ही पानी मांगा गया। और यही डिमांड जो है अपनी 2018 से चली आ रही, 2018 में भी अपने को 513 ही MCFT पानी था, यानी 18 से 19, 20, 21 6 सालों में ये जब बढ़ गया तो आज अपना 50 MCFT उसमें प्लस होना चाहिए था, क्योंकि एग्रीमेंट किया हम दावाड़ी को जब पानी दे रहे तो उसमें कोई 50 MCFT बढ़ा नहीं ना, ये 6-7 सालों में आबादी के लिहाज से कोई पानी बढ़ा, इसलिए अब वो एग्रीमेंट कायदे से नहीं रह सकता। जब एग्रीमेंट की अट्टी सर्दी में 50 MCFT थी, पहली मुखालफत तो ये एग्रीमेंट जो है मालेगांव महानगर पालिका और दाबाड़ी ग्राम पंचायत के बीच का है, तो पहली जो अट्टी सर्दी बनाने वाली महानगर पालिका है, तो पहला एतराज तो हमारा महानगर पालिका आयुक्त से रहेगा कि जब एग्रीमेंट की शरायत पूरी नहीं हो रही है तो एग्रीमेंट कैंसिल करके पानी रोक दिया जाए। वो अगर नहीं सुनते या बहुत दबाव में रहते तो उसके बाद हम सोचेंगे आगे क्या करना है, मगर अभी पहली स्टेप तो हमारी महानगर पालिका है। प्रशासक के प्यार की बात है क्या ये, क्योंकि मंजूरी रियासती हुकूमत से वो लोग लेके आए? नहीं देखो, पहले तो एक बात समझ लो, अगर उस वक्त की कांग्रेस पार्टी ठहराव नहीं करती तो ये कितना भी रियासती हुकूमत से कुछ करके लेके आ जाते, ये कुछ होने वाला नहीं था। कॉर्पोरेशन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, बुनियाद उसका ठहराव करना, उसका फैसला करना, उसकी मिल्कियत का ये अख्तियारात जो है वो कॉर्पोरेशन के खुद है। कॉर्पोरेशन ने महासभा में कोई भी ठहराव करे उसकी मंजूरी के लिए वो जाता है महाराष्ट्र सरकार के पास, लेकिन अगर कॉर्पोरेशन महाराष्ट्र सरकार चाहती भी कि दे देना और कॉर्पोरेशन नहीं चाहती तो महाराष्ट्र सरकार का इख्तियार नहीं है कि वो फैसला कर ले। गलती जो है वो महासभा में से हुई है, कॉर्पोरेशन के थ्रू। महागठबंधन 2017 में बना, महागठबंधन बनाने का मकसद हम लोग जो महसूस कर रहे थे कि मालेगांव शहर में गुंडागर्दी, बदउनवानी, चोरी बहुत ज़्यादा होती है, यानी बैतुल माल की चोरी, उसकी मुखालफत करने के लिए, उसको रोकने के लिए महागठबंधन बना जो मुफ्ती साहब राष्ट्रवादी और हमारे बीच में बना। और हमारा मकसद यही था कि हमने मालेगांव शहर के मशरकी हिस्से का डेवलपमेंट के लिए मिलकर काम करना चाहिए, और हमने इलेक्शन लड़ा। इलेक्शन लड़ने के बाद इख्तदार नहीं आया, ये बात सही है कि 2024 तक ये फैसला हुआ था कि हम साथ में रहेंगे, लेकिन 2019 के इलेक्शन के बाद से आप देखेंगे मुसलसल महागठबंधन को तोड़ने का काम मुफ्ती साहब के लोगों के थ्रू किया गया, जिनको हम लोगों ने यहाँ जो बैठे हुए काफ़ी लोग जिम्मेदार ऐसे हैं जिन्होंने बुला के मुफ्ती साहब को बोला
कि आप उनको मना करो। आप जिनके नाम से, जिनकी नसीहत, जिनकी वसीयत बोल बोल के आप वोट मांगे, उनके खिलाफ बोला जा रहा है, वो इस दुनिया में नहीं है, इसके बावजूद भी वो रोक नहीं पाए। अगर वो रोक नहीं पाए तो समझना चाहिए कि उनकी लीडरशिप की कमी थी कि उनके वर्कर उनकी बात नहीं सुनते थे। दूसरा ये कि जो फैसला हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, वो एग्रीमेंट में 2019 के असेंबली इलेक्शन में मुफ्ती साहब उम्मीदवार रहेंगे ये फैसला लिखा हुआ था। 2024 में कौन उम्मीदवार रहेगा वो ये लिखा नहीं था। अगर मुफ्ती साहब के पास सारे दस्तावेज़ हैं तो वो जिस तरह मीडिया के सामने गठबंधन का फ़र्ज निभाने की बात करते तो वो कागजात मीडिया के सामने पेश करें। दूसरी बात ये कि हम लोग 2019 से आज तक जो देख रहे हैं कि मुफ्ती साहब हर महाज पर नुमाइंदगी करने में नाकाम और कमज़ोर रहे हैं। चाहे वो पावर सप्लाई का मामला हो, चाहे बुनकरों की सहूलत का मामला हो, यहाँ तक कि जब बुनकरों के लिए स्टडी ग्रुप बना तो मालेगांव शहर जो सबसे बड़ा पावर लूम का मरकज़ है वहाँ के MLA को नहीं लिया गया। यानी इनकी नुमाइंदगी इतनी कमज़ोर थी कि ज़रूरी नहीं समझा उन्होंने, जहाँ थोड़े थोड़े लूम है वहाँ के लोगों को लिया गया। पावर कंपनी की जो दादागिरी है इसके खिलाफ भी मुफ्ती साहब का ज़ीरो हिकमत अमली रही। उसके बाद जो पुलिस की गुंडागर्दी जिसको बोलेंगे, जो 12 नवंबर का मामला था, 12 नवंबर के मामले में इन्होंने जो बेगुनाह 60 से ज़ायद लोग गिरफ्तार थे, उस वक्त भी इन्होंने किसी तरह की रहनुमाई नहीं की, किसी तरह की कोशिश नहीं की लोगों को बचाने के लिए। जब गढ़ की यात्रा का मामला हुआ, शरपसंद लोग लड़ाई करने लगे, ऐसा था कि रमज़ान के अय्याम में कई मस्जिदों में तरावी में खलल हुआ, तरावी हुई नहीं। उस वक्त ये कहा गया कि मसलहत से काम लो, मसलहत तो आवाम के बीच में करनी चाहिए थी, लेकिन ऐवान में और डिपार्टमेंट में सख्ती से बोला जाना चाहिए था। वहाँ भी हमारी जो है नुमाइंदगी कमज़ोर रही, ना के बराबर रही। यहाँ तक के नीलेश राणे, नितेश राणे, चाहे वो किला झोपड़पट्टी के ख़िलाफ़ बोलते हो या उन्होंने लैंड जिहाद की बात की, वहाँ पर भी इन्होंने ऐसे तो मीडिया में कहा, लेकिन जहाँ बोलना चाहिए था असेंबली में, वहाँ ऐसे शरपसंदों के ख़िलाफ़ कुछ नहीं बोला गया। बल्कि हम ये मानते हैं कि 2019 से लेके आज तक जो जो लोग हारने वाले उम्मीदवार के ख़िलाफ़ थे, चाहे वो रिजवान सर हो, चाहे वो आमीन मेंबर हो, चाहे वो एजाज बेग हो, चाहे मालिक यूनुस ईसा हो, इन सब पर हमला हुआ है। शफीक एंटी करप्शन, ये इतनी उनकी हारने के बाद हिम्मत थी, ये सब जानते कि हमला करवाने वाले लोग कौन थे। इतनी हारने वालों की हिम्मत थी और जीतने वाले अपने साथियों को बचाने में नाकाम रहे, और आप देखेंगे उनको और उनके घर के लोगों को कोई नुकसान नहीं हुआ। रिजवान सर के यहाँ घर में जहाँ उनकी बीवी और उनके बच्चे मौजूद हैं, अंधाधुन गोलियाँ चली, वो तो अल्लाह की मर्ज़ी थी कि इनको कोई नुकसान नहीं हुआ। जिस तरह मालिक यूनुस ईसा पे हमला हुआ, वो तो बड़ी बात थी कि वो बच गए, हिम्मत वाले थे, ताकतवर थे। जिस तरह शफीक एंटी करप्शन वाले के सर पर वार हुआ, जिस तरह हमला दो बार एजाज बेग के घर में हुआ, मुसलसल अपने साथियों को बचाने में ये नाकाम रहे। किसी तरह का दबदबा ना पुलिस डिपार्टमेंट ने, ना किसी भी डिपार्टमेंट में इनका रहा कि ये बचा पाए। इन्होंने खुद सिविल हॉस्पिटल में बैठ के बोला कि मुझे बेवकूफ़ और फला फला समझा जाता है, तो और इनके ऊपर कोई हमला नहीं हो रहा। तो हम लोग ये महसूस कर रहे हैं कि भाई ये अपनी रहनुमाई करने में इंतहाई कमज़ोर है। गठबंधन आज भी अगर है ये मानते हैं ये, तो गठबंधन को करने वाले जो लोग थे, जो इसमें बड़ी ताकत थी, जिन्होंने जमा किया था, आज भी उन्होंने बैठना चाहिए और हमारी बातें और गठबंधन के कागजात जो मुफ्ती साहब के पास दस्तावेज मौजूद हैं उसको लेकर बैठें और ये फैसला करें कि भाई ये अगर नाकाम है रहनुमाई करने में, तो गठबंधन का अब हक, फर्ज और धर्म मुफ्ती साहब ने निभाना चाहिए। आपके निभाना चाहिए, इसका मतलब ये है कि आपको आज के सियासी हालात जो हैं वो एकदम साफ हैं कि शेख रशीद खानवादा इलेक्शन लड़ने वाला है, मुफ्ती साहब इलेक्शन लड़ने वाले हैं। आज जो 5 साल में इनके काम काज को लेकर आवाम बिल्कुल मुतमईन नहीं है, और कहीं ना कहीं ये लगता है कि अब इनकी ये पोजीशन इस शहर में नहीं बची है कि वो शेख आसिफ को हरा सकते हैं, तो गठबंधन का धर्म निभाने की पारी उनकी है कि वो शान इनकी हिमायत करें और गठबंधन का धर्म निभाएं। हम उनके साथ में रहेंगे हर वक्त। अगर मैं कहूँ इस शहर में हर वक्त, तो वो जो गुरूर और घमंड की बात बोलते,
कि हमने दो सीट ला लेकर आ गई, ऐसे बोलते हैं कि हम जैसे कभी सियासत में थे ही नहीं। इस ये शहर का बसना और निहाल साहब की सियासत, ये एक साथ जुड़ी हुई है। कितने एहसान कितने लोगों पे किए गए, हमने कभी नहीं बोले। अगर ये बोलते हैं कि मालिक यूनुस ईसा को मेयर नहीं बनाते तो भुट्टा बेचता वो, उसको वो नहीं करते तो ये करता वो, ये गुरूर और घमंड की बात है। अगर 2007 में निहाल साहब मालिक भाई को कारपोरेटर नहीं बनाते तो क्या वो मेयर बन पाते? उस वक्त पहले तो जनता दल से वो मेयर बने, मगर हमने कभी ये बात नहीं बोली। और ये 2007 में सियासत में आए, उसके बाद से मुसलसल इनका डाउनफॉल रहा। 2007 में इनकी 27 सीट आई, 9 में ये असम्बली चुन के आए, 12 में इनकी 19 सीट हो गई, कम हुई, 14 में ये एक नए लड़के से इलेक्शन हार गए, जिसको हमने 2002 में आसिफ शेख को कारपोरेटर बनने के लिए नाको चने छपवा दिए थे, तो 153 वोट से चुन के आ पाए थे। डर और खौफ हमारा ऐसा था कि 2007 में मुफ्ती साहब से सेटिंग करके और बिन विरोध हो गए, उस वक्त से ही आपस में तालमेल करके इलेक्शन लड़ते रहे। अब इस शहर के हालात ऐसे आ गए, मैं हमेशा बोलता कि 25 साल में 99 से ये दोनों के आपस का तालमेल। एक बात आप देख लो कि जब 2007 से 2017 तक ये हमेशा कांग्रेस के साथ रहना इक्तदार में, मुझे खुद मुफ्ती साहब जब 17 का इलेक्शन हुआ तो मुझे ये बोलने लगे कि यार अपन अब अपोजिशन में रहेंगे तो कैसे रहेंगे, तो मतलब यार वो हमारा काम है, तुमको अगर 19 का असम्बली जीतना है तो तुमको अपोजिशन में बैठना पड़ेगा। तो ये तो उनके साथ ही रहे, तायरा मैडम को मेयर बनाए, उस वक्त ख़त्म जब इनका होने लगा तो तायरा मैडम को मेयर बना दिए, तो कहीं ना कहीं ये ताकत उनको पहुंचाने की कोशिश ही किए और उनसे जो भी माली तौर पर फ़ायदा उठाने की कोशिश किए, ये ऐलानिया वो लोग बोले। तो ये इनका तालमेल हमेशा रहा है। हम यही बात बोलेंगे कि आज शहरी सतह पर आप एक बात देख लो कि मालेगांव शहर में वाहिद समाजवादी पार्टी है जो हर जगह जिनके वर्कर और जिनके लोग आज मौजूद हैं। मालेगांव शहर में मुफ्ती साहब आगरा रोड के शुमाली हिस्से में कुछ नहीं है, कच्चे एरिया में तुम चले जाएंगे। पहली बार एमएलए बनने के बाद भी सड़क के इस पार बाद वाले कारपोरेशन में एक उनका कारपोरेटर नहीं था मुफ्ती साहब का। हम अगर ये बोलते कि हम तुम्हारे साथ में तो तुम्हारी सास तेरी दर्द चुन के नहीं आती महागठबंधन, लेकिन हम लोग कभी तकब्बुर की बात नहीं करते कि सियासत में मौके आते हैं और एक दूसरे का साथ लिया जाता है। अगर तुम्हारा साथ दिए जैसा आप बोल रहे हैं, अगर वो एग्रीमेंट सामने रहेंगे कुछ लीडर अगर बैठे तो आप बैठना पसंद करेंगे? हाँ, तो पहले दिन से बोल रहे हैं कि बैठ के बात करें, बैठे ना एग्रीमेंट ले। जो 5 साल की कारकर्दगी है, 5 साल में क्या क्या लोगों के साथ हुआ। मैं एक बात बोला कि यार अभी शान भी बोले कि यार सारे लोगों पर हमला हुआ, इनके ऊपर ही नहीं हुआ। मेरा मकसद ये नहीं है कि उनके ऊपर हो, नहीं, बहुत अच्छी बात है, वो सेफ है, उनकी फैमिली सेफ है, हमारी दुआ भी यही है, ये है कि वो सेफ रहे, मगर सारी तकलीफ तो जो उनके साथ इलेक्शन लड़े वो उठाए ना, वो गोली की शक्ल में हो, जेल की शक्ल में हो, मार धाड़ की शक्ल में हो, इनके किसी लोगों को कोई तकलीफ इनके घर पर नहीं हुई, और बहुत अच्छी बात है। नहीं, हमारा सिर्फ मानना ये है कि मुफ्ती साहब पूरी तरह नाकाम इस 5 साल में हो गए हैं, इसलिए अगर आज शेख आसिफ को हराने की ज़रूरत है तो उनको बैठ के गठबंधन का धर्म निभाने की बात हमारे साथ करना चाहिए। मकसद ये था कि जो लोग बदउनवानी करते हैं उनको सत्ता में नहीं आने देना चाहिए, लेकिन 2017 में जो कारपोरेशन का इलेक्शन हुआ उसमें मालेगांव शहर के मशरकी हिस्से के फंड पानी ये सब का सौदा करके कांग्रेस पार्टी ने अपना मेयर बना लिया दादा भुट्टे के साथ में। हम वहीं रोकने में नाकाम रहे, उसके बाद से हम असेंबली में हमारा महागठबंधन के उम्मीदवार चुनकर गए। हमारी ये उम्मीद थी कि अब हम असेंबली से रहनुमाई करते हुए इसको रोकने की कोशिश करेंगे। यही मैंने आपको बताया कि हर फील्ड में हमारे चुने हुए नुमाइंदे कमज़ोर साबित हुए, यहाँ तक कि उनके लिए जो लोग काम किए उन पर हमला करने वालों उनको बचाने में हम लोग जो हमारे साथी थे उनको बचाने में हुए मुफ्ती साहब नाकाम रहे, यहाँ तक के जिन्होंने गुनाह किया जो लोगों ने गोली बार किया उनको सज़ा दिलाने में भी नाकाम रहे। ऐसा शहर भी मानने लगा है, दस्तबरदारी के लिए इख्तियार कर लेते हैं
है तो वो तो उन्होंने कहा आसिफ शेख के खिलाफ आज ताकत से हमको लड़ना है, तो हम भी चाहते कि वो हमारे साथ रहे। अहम मकसद महागठबंधन का ये था, अहम मकसद ये नहीं था कि हम इलेक्शन लड़ेंगे कि मुफ्ती साहब इलेक्शन लड़ेंगे। अहम मकसद ये था कि जो लोग शहर के लिए नुकसानदेह हैं उनका खात्मा होना, उनको सत्ता में नहीं आने देना। आज भी वो मकसद कायम है, आप समझ लो। अगर किसी को आज आप देखेंगे इंडिया गठबंधन बना है ना, तो जो आपस में लड़ने वाले थे सब मिलके बना है। क्यों? क्योंकि बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देना है। तो ऐसे ही अगर हम ये मानते हैं कि जो लोग शहर के लिए नुकसानदेह हैं उनको ख़त्म करना है, तो सबको मिलकर एक आघाड़ी बना के लड़ना चाहिए। इसीलिए महागठबंधन बना था। और वहाँ हम लोग अगर कॉरपोरेशन में नहीं आ पाए सत्ता में, शायद हम वो ऐसी सौदेबाजी करने का हमारा ज़मीर नहीं था जो कांग्रेस ने कर लिया उस वक्त। दादा अभी जो सत्ता में है क्या वो माले हो गए नुकसान देख रही है? कौन जो है कौन सत्ता में भाई? जो एमएलए अभी तो हाँ जो अभी एमएलए जो है वो अपनी नुमाइंदगी करने में नाकाम रहे। तो गठबंधन का मतलब ये है कि हम जिनके खिलाफ लड़ रहे हैं, अगर जो अगर हम नाकाम रहे तो वो मौका उठा लेते। अब वो उन्होंने वो किया और वो नाकाम रहे। हर मास पे मैंने आपको बताया कि हर जगह वो नाकाम रहे, चाहे मुखालफत करनी हो या जहाँ रहनी हो। पानी का मामला आप देख लीजिए, पानी के बारे में वो भी बोलते थे कि पानी भेज डाले, पानी दे दिए दादा भूसे को, लेकिन जहाँ जाके उनको रोकना चाहिए था इरिगेशन डिपार्टमेंट में कलेक्टर की ऑफिस में बैठ के, वहाँ वो नहीं गए। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मुफ्ती इस्माइल पे नाकाम एमएलए की तनकीद और गठबंधन का धर्म साथ साथ चल सके? ये तो हो ही नहीं सकता ना। नहीं 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 क्या वो गठबंधन तो साथ में रहेगा, लेकिन अगर वो चाहते थे गठबंधन साथ में रहे, लेकिन अगर वो नुमाइंदगी करने में नाकाम हैं और उन्होंने भी मान लेना चाहिए शहर के लोगों से मिलकर, और जो रहनुमाई कर सकते हैं उनको मौका दें और वो काम करें। असम्बली इलेक्शन का मैनिफेस्टो मैं और हमारे साथ कुछ लोग मिलकर बनाए थे। ये बात मुमकिन है कि कोई पार्टी या कोई लीडर 100% मैनिफेस्टो पे जो बात बोला है उस पर अमल नहीं हो सकती, मगर ये बात बोलना कि मैं मैनिफेस्टो मेरा कुछ काम नहीं किया, या उन्होंने ये बताना कि मैनिफेस्टो पे उन्होंने कितने परसेंट काम किया, तो कहीं ना कहीं वो खुद ही ये बात साबित अब खुद से करते हैं कि वो काम नहीं किए, मैनिफेस्टो पे काम मैं नहीं किया। वो साफ बोले, बोलना ये चाहिए था कि मैं 70% काम किया, 100 काम थे तो मैं 90 काम किया, 10 काम नहीं कर सका। वो समझ में आने वाली है, एक काम मैनिफेस्टो का नहीं कर पाए। वो नहीं देखो एक बात समझ लो तो फिर तुम बात यह है कि कोशिश आदमी करता, आवाम वोट देती, एक भरोसे पे देती। मैं तो बदनवानी के सवाल पे वो मेरे सामने एक सवाल इससे पहले भी वो बोले कि काम रुकवाने की कोशिश किया। सच बात यह है कि मैं इससे पहले भी बोल चुका कि मुफ्ती साहब जिस चौक पर, जिस चौराहे पर, जिस जगह, जिस घड़ी, जिस वक्त, जो तारीख, सब वो तय करे और मुझे बुला ले। सच्ची बात यह है कि ठेकेदारी करने की नियत से उन्होंने काम रोकने की कोशिश की, और मेरी कोशिश उस वक्त भी ये थी कि काम किया जाए जल्दी। अगर उनके पास ये पेपर मौजूद हैं तो वो जहाँ बोलेंगे मैं वहाँ आके तैयार है बैठने के लिए, और वो साबित कर दे कि काम वो रोक रहे थे कि मैं रोक रहा था मीडिया के सामने। सच बात यह है कि कोई आदमी किसी का साथ देता है तो ये भरोसे पे देता कि वो कुछ ना कुछ करेंगे, मगर जब वो नहीं कर पाए तो उसमें कोई कसूरवार, अगर हम कसूरवार खुद को मानेंगे तो आज हम ये मान रहे हैं कि आप एक शहर को तीसरी क़यादत की ज़रूरत है। 25 साल से ये शहर ने ये दोनों लोगों की जुगलबंदी बोलो या मिली जोड़ बोलो ये देख चुका, और कहीं ना कहीं शहर में ये लहर बन रही है कि अब ये दोनों के खिलाफ कोई तीसरा आदमी को शहर की नुमाइंदगी करना चाहिए। 9 अगस्त से शुरू हुई तो दावाड़ी को पानी देने में जहाँ सबका बरसर इकतदार जिम्मेदार है, क्या मौजूदा एमएलए भी उतने ही जिम्मेदार है? नहीं, सबसे बड़े जिम्मेदार जो है वो सबका जो दौर इक्तदार में थे वो हैं। अगर वो बुनियाद नहीं डालते ठहराव की तो शुरुआत नहीं होती। उतने तो नहीं, मगर कसूरवार एग्रीमेंट के टाइम मुफ्ती साहब जरूर है।